चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नदियाँ वालों चैप्टर पे पहुँचते हैं। नदियाँ आपको थोड़ा सा ये सारी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। यदि आप अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखें तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा है दक्षिण भारत की नदियाँ, यदि या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जिन्हें बोलते हैं। अब यदि हम उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो उत्तर भारत की नदियों को तीन भागों में बांटा जाता है, तीन नदी तंत्र के रूप में देखते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो एक एक नदी तंत्र देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, प्रमुख नदी है सिंधु, लेकिन सिंधु अकेले नहीं बहती है, 5-6-7 नदियों को एक साथ लेकर के जाती है और अरब सागर में जल गिराती है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु निकलती कहाँ से है, सिंधु निकलती है यहाँ से, तिब्बत वाले क्षेत्र से। तिब्बत वाले क्षेत्र में यहाँ पर है मानसरोवर झील, उसी के पास से ही सिंधु नदी निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से, ठीक है। यहीं से सिंधु निकलती है उत्तर की तरफ बहते हुए, पहुँचती है जम्मू में, प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। अब इसके बहुत सारी नदियाँ सहायक नदियाँ, एक और नदी यहीं बगल से निकलती है जो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, वो है आपकी सतलुज। सतलुज यहीं पे निकलती है, जस्ट बगल पे ही है सिंधु के, जस्ट बगल पे मानसरोवर झील के बगल में राकसताल है, राकसताल से सतलुज निकलती है, सिपिकीला दर्रे के पास से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब आती है, पंजाब के आने के बाद पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती है। लेकिन सिंधु के पास से बहुत सारी नदियां भारत से निकलती हैं। पहली नदी है आपकी चिनाब नदी, झेलम नदी। झेलम नदी यहाँ पे बेरीनाग या शेषनाग झील के पास से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर बुलर झील से होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आगे जा कर के चिनाब नदी पर मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद चिनाब नदी बारालाचला दर्रे के पास से निकलती है, निकलने के बाद जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पहले चिनाब दो नदियों के रूप में निकलती है, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा दोनों आपस में मिलती हैं, मिल करके चिनाब बनाती हैं और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर वहीं रोहतांग दर्रे के पास से रावी निकलती है, रावी भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और करके चिनाब में मिल जाती है। उसी के जस्ट बगल से ब्यास निकलती है, ब्यास जो है आपका हिमाचल प्रदेश से पंजाब के हरिके वाले स्थान पर जा कर के सतलुज से मिल जाती है और इसके बाद जो है सतलुज में मिलती है चिनाब नदी। सभी नदियों को लेकर चिनाब जा कर के सतलुज में मिलती है, सतलुज जा कर के सिंधु में मिलती है, ठीक है। तो यह है सिंधु नदी तंत्र, जिसकी प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। फिर से याद करते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसके आसपास साथ में स्योक नदी है, यहीं पर स्योक नदी, सिगार नदी, गिलकित नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, ये सारी बहुत सारी नदियां हैं जो इसमें छोटी मोटी नदियां मिलती हैं। दूसरे नंबर पे आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र भी निकलता है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से निकलती है। इसके बाद नामचा बरवा के पास जो है भारत की ओर टर्न कर जाती है, यहीं से अरुणाचल प्रदेश में पहुँच के दिहांग कहलाती है। दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्रा के नाम से असम में प्रवेश करती है, असम में जो है माजुली द्वीप और मैदानी क्षेत्र में बनाते हुए सदिया से प्रवेश करती है, धुबरी से वापस आती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, फिर यही जाकर के जाके मिल जाती है गंगा से, जो कि जाकर के कुछ समय जमुना कहलाती है, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र का नाम चेंज होता है जमुना, जमुना जो है गंगा से मिलती है, संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है, पद्मा मेघना से मिलती है, संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में खत्म, ठीक है। सहायक नदियां इसकी बहुत सारी हैं, पहली है यहां पर दिहांग नदी और दूसरी है दिबांग नदी और लोहित नदी। लोहित और दिबांग दो प्रमुख नदियां इधर से मिलती हैं, इधर से तीस्ता नदी आकर के मिलती है, इससे तीस्ता है, मानस है, स्वर्णरेखा है, संकोस है, बहुत सारी नदियां इस तरफ से आकर के इसमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरी है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र ऊपर से निकलती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, नाम रहता भागीरथी, उसके जस्ट बगल से सतोपद ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, धौनी गंगा, विष्णु गंगा। विष्णु प्रयाग में धौली और विष्णु गंगा दोनों आपस में मिलती हैं, बनती क्या है, नाम क्या हो जाता है दोनों का, अमर अमर अलकनंदा, ठीक है। दोनों संयुक्त धारे अमर अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा में बहुत सारी नदियां आकर के गिरेंगी। सबसे पहले पिंडर मिलती है, पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग पे, पिंडर के बाद फिर अगली नदी आती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी, मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसके बाद उधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, नाम हो जाता है गंगा। तो गंगा उत्तराखंड में हरिद्वार में सबसे पहले प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्र में और वहीं से जो है देदनादन लगातार भागती हुई चार पाँच राज्यों से
होकर के, 5 राज्यों से होकर के बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, क्रम से देखते हैं। पहली नदी यहाँ पर है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी सबसे पहले मिलती है, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद महानंदा। ठीक है, कोसी भी मिलती है, कोसी महानंदा, ये प्रमुख नदियां हैं। इधर से आती है यमुना, यमुना मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में, इसके बाद यमुना में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। यमुना में चंबल आके मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन, ये नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। चंबल की सहायक नदी, वो सारी यमुना की सहायक नदी हैं। यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इसके बाद सोन नदी भी जा करके अमरकंटक से निकलती है, गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है। ठीक है, गंगा में और बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो आकर के यहाँ पर, गंगा जो है दो भागों में बढ़ जाती है पश्चिम बंगाल में, एक निकल जाती है हुगली दक्षिण की तरफ और उसके बाद एक हिस्सा निकल जाता है उसका पूरब की तरफ बांग्लादेश में, जहाँ पर पूरब में प्रवेश करते हैं उसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा जमुना से मिलती है, जमुना पद्मा पद्मा कहलाती हैं। बराक नदी इधर मेघना के नाम से मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है और आपस में मिलती है, मिलने के बाद मेघना कहलाती है, मेघना सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, इधर हुगली है, हुगली में सहायक नदी दामोदर आके की मिल जाती है। तो इस तरीके से पूरा है गंगा नदी तंत्र खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हो गई आपके उत्तर भारत की नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, सबसे पहले स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, ठीक है, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर पोलार, फिर कावेरी, फिर बैगई, फिर ताम्रपर्णी। ठीक है, ये नदियों का पूरा क्रम है, याद रखना है। दामोदर जो है हुगली की सहायक है, इसलिए दामोदर का ना गिने तो अच्छा है। स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पोलार, यहाँ पर कावेरी, बैगई नदी, फिर ताम्रपर्णी, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ पर आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इधर जो है आपका ये वाला जो हिस्सा है जो जाकर के, इसको बोलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो शुरुआत से देखते हैं, यहाँ पर एक लूनी नदी जो आकर के पहुँच नहीं पाती, रास्ता इसका वहीं पर ही रुक जाता है, अंतःस्थली हो जाती है। लूनी नदी अंतःस्थली नदी के रूप में जानी जाती है। फिर इसके बाद गुजरात में दो नदियाँ, पहली है साबरमती, साबरमती नदी, दूसरी जो है माही नदी है। माही नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है। इसके बाद जो है अमरकंटक से निकलती नर्मदा नदी, यहीं पर ही आपके पास से ही निकलती तापी नदी। तो पहली आपकी लूनी, लूनी के बाद साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर तापी। ठीक है, नर्मदा ब्रंस घाटी में बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है, एश्चुरी बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा न बनाकर एश्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लगातार चलते हैं। गोवा में दो नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी। इसके बाद कर्नाटका की दो नदियाँ हैं, पहली है गंगा वैली, दूसरी है शरावती। इसके बाद यहाँ पर आते हैं केरल में दो नदियाँ हैं, पहली है भरतपूजा और तीसरी फिर है आपकी पेरियार नदी। ठीक है, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपूजा नदी। तो ये आपकी प्रमुख जो है पूरा नदी तंत्र हो गया ख़त्म। इतना टाइम थोड़ो ना इसमें लगता है। ये हो गई आपकी नदियाँ, ठीक है, भारत की प्रमुख नदियाँ। अब ये अलग अलग करके देखा है, दिया है सिंधु नदी तंत्र। खुश तो बहुत होंगे आप। ठीक है, यहाँ पे ये वही है सारी चीज़ें, जो मानसरोवर झील से ये निकली, देखिए निकलने के बाद सिंधु यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, पहुँचने के बाद ये देखिए इसकी जो है यहीं पे बगल से ही निकलती है आपकी सतलज नदी। ये देखिए सतलज राकस्ताल झील यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मानसरोवर झील, तो मानसरोवर से निकली, राकस्ताल से निकली, फिर ये देखिए भारत में प्रवेश कर गई। प्रवेश करते ही गायब हो गई। ठीक है, ये है आपकी, यहाँ पर प्रवेश कर गई और प्रवेश करके ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसके बाद ये आपका पूरा इलाका है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, नुब्रा नदी, यहाँ पे मैं बताता हूँ नुब्रा नदी ये है, देखिए यहाँ पे श्योक नदी है, यहाँ पर देखो और छोटी छोटी नदी, एक किशनगंगा नदी है, यहाँ पे ये आपकी झेलम नदी है, ऊपर एक गिलगिट नदी आके मिलती है, स्वात घाटी है, स्वात नदी है, यहाँ पे काबुल नदी है, कुर्रम नदी है, तोची है, गोमल है, कुंदर है, झोब है, ये प्रमुख नदियाँ हैं इधर की जो सिंधु पे आकर के इधर से मिलती हैं। और इधर की सब आप जानते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी नदियाँ हैं। ठीक है, सोहन नदी घाटी सभ्यता थी, पहले इतिहास में आप पढ़ेंगे सोहन नदी सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है, तो भी यहीं पर ही थी, सिंधु की सहायक नदी थी सोहन नदी।
ठीक है भाई, गंगा नदी तंत्र, ये देखिए गंगा नदी तंत्र है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1000 किलोमीटर लंबाई है, पश्चिम बंगाल में 520, उत्तराखंड में 450, बिहार में 405। बिहार की उत्तर पश्चिमी सीमा, ये दोनों को मिलाना पड़ेगा, अलग अलग दिया गया है। झारखंड में 40 किलोमीटर, टोटल है 2525। ठीक है, ये आपका है, आपका ये देखिए पहले भागीरथी के नाम से और अलकनंदा के नाम से, दो नाम से निकल रही है, आगे जा कर के यहाँ पर ये बन जाती है गंगा नदी। ये देखिए गंगा नदी है पूरी कंप्लीट, ये गंगा नदी है। गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदी, रामगंगा ये मिली, गौर यहाँ पे देखिए, ये आपकी है गोमती नदी, ठीक है, ये आपकी घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, ठीक है, नीचे से यमुना आकर के मिली, यमुना में मिलने वाली नदियाँ, चंबल, चंबल की सहायक है बनास नदी, यहाँ पर है सिंध नदी, फिर बेतवा, फिर केन, फिर यहाँ पर ये आपका है, देखो ये छोटी सी नदियाँ हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, यहाँ पर, यहीं पे टोन, टोन से एक नदी है, सोन के बाद एक टोन से नदी यहाँ पर इलाहाबाद के पास ही है, केन के बाद टोन से फिर सोन है। टोन्स जो है गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की सहायक नदी, ठीक है। गंगा दो भागों में बट गई है, कि ये है हुगली वाला हिस्सा, ये है आपका यहाँ पे पद्मा वाला हिस्सा, ठीक है, तो हुगली वाले हिस्से में ये आपका चला आया जम्मू का, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी में गिर गई पद्मा, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, इधर से अभी देखिएगा अगले वाले उसमें आएगी, ये है दामोदर इसकी सहायक नदी, बस इतना ही। तो देखो जाती देवप्रयाग में गंगा कहलाती है, कन्नौज में रामगंगा मिलती है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में यमुना मिलती है, गाजीपुर में गोमती मिलती है, छपरा में घाघरा मिलती है, सोन पटना में मिलती है, हाजीपुर में गंडक मिलती है, भागलपुर में कोसी मिलती है, और मालदा में महानंदा मिलती है, ठीक है। तो ये नदियों का संगम है, सहायक नदियों का संगम, ये क्रम से दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ये है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे आपकी वहीं से निकलती मानसरोवर के पास से, नाम रहता है सांगपो, यहाँ से प्रवेश कर जाती है, नाम हो जाता है दिहांग, और इसके बाद ये जो है आपकी यहाँ पर पहुँच जाती है, ये असम वाला क्षेत्र है, असम के बाद नीचे जा कर के, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट का रीजन दिखाया गया पूरा, नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, ये रीजन है दिखाया गया पूरा, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, सहायक नदियाँ देखिए तीस्ता यहाँ पे मिलती है, संकोच ये मिलती है, ये देखिए धुबरी है, धुबरी से प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, असम का अंतिम पॉइंट है ये, ठीक है। तिपकई एक नदी है, मानस नदी है, पिथुमारी है, जिया बरेली है, रंगा नदी है, यहाँ पे सुबनसिरी नदी है, ठीक है। इधर देखिए, इधर आपकी दिबांग नदी है, लोहित नदी है, लोहित की सहायक है बूढ़ी दियांग नदी, धनसिरी, कापली नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बराक नदी जो है, इसी का नाम है मेघना नदी, ये देखिए आगे जाके मेघना कहलाती है, बराक नदी आगे जाके मेघना हो जाती है। तो ये सूरमा पहाड़ी मणिपुर वाले क्षेत्र से निकलती है, इसी की एक सहायक नदी है, ये छोटी सी यहीं पर भैरव नामक स्थान पर मिलती है, यहाँ पर ये चांदपुर वाले क्षेत्र में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेघना पद्मा से कहां पे मिलती है, बांग्लादेश के चांदपुर वाले क्षेत्र में पद्मा मेघना का संगम होता है, और इसके बाद मेघना के नाम से बंगाल के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये है दक्षिण भारत की नदियां, क्रम से देखिए, ये है दामोदर नदी आपकी, जो कि मिलती है हुगली से, इसके बाद स्वर्णरेखा, फिर महानदी, फिर इसके बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पुलेरू, फिर पुलार, फिर ये जो है बह गई, ये सारी नदियां हैं यहां पर, ठीक है। और इधर जो है मिलने वाली पहली आपकी, यहाँ पे लूनी नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर है मांडवी, फिर जुआरी, फिर गंगा वैली, फिर इसके बाद आपकी अगली नदी कौन सी है, सरावती, फिर इसके बाद भरत पूजा और पेरियार, पेरियार नदी, ऐसे करके दिखाया गया, ठीक है भाई, हो गया, बहुत नदियाँ हो गई, सारी नदियाँ हो गई। अब यह भारत की झीलें, कहाँ पर कौन सी झीलें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की झीलें, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चलते हैं, बहुत सारी झीलें हैं, डल झील का नाम सबने सुना है, बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। तो यहाँ पर शेषनाग झील है, बुलर झील है, डल झील है, जानसर झील है, ठीक है, ये प्रमुख झीलें हैं, यहीं पर है प्योंगसोंग झील है, ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में प्योंगसोंग झील है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है उत्तराखंड वाला क्षेत्र, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में बहुत सारी झीलें हैं, पहले ताल, तलैया जितनी भी हो, ठीक है, तालों में नैनीताल है ना, बाकी सब तलैया, तो यहीं पर है सूरज ताल, चंद्र ताल, देखो इसमें आधे ताल तो यहाँ पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और कुछ ताल यहाँ पर, तो नैनीताल, रूपकंड झील, भीम ताल, सात ताल, ये सब यहाँ पर है, बाकी सूरज ताल, चंद्र ताल, सूरज और चंद्रमा दोनों हिमाचल प्रदेश में है,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इधर वाले क्षेत्र में, आपका जो पंजाब वाला क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ पर ब्यास और सतलुज का संगम होता है, यहाँ पर हरिके झील बनी हुई है। बस यहाँ की राजस्थान की झीलें कुछ इंपॉर्टेंट है, डिडवाना झील, खारी झील है। इसके बाद आपका यहीं पर है दो झीलें प्राकृतिक, यहाँ पे राणा सागर और गोविंद सागर, वो दिखाया नहीं है गांधी सागर, लेकिन फिर भी पुष्कर झील है, नक्की झील है, राजसमंद झील आपकी, ठीक है, ढेबर झील है, पंचभद्रा झील है, और ये लूनकर्णी भर झील है, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें यहाँ की हो गई। नल सरोवर झील आपकी, ठीक है, ये आर्द्रभूमि भी है रामसर जल संधि के तहत, नल सरोवर गुजरात में पड़ता है। इसके बाद लोनार झील, सब जानते हैं उल्का पिंड से बनी झील लोनार झील है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हुसैन सागर झील, ये आपका तेलंगाना में है। इसके बाद ये आपका है कोरम्बलिन झील, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। मयूम झील, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के उसमें है। यहाँ पे एक झील है बड़ी इस समय करंट अफेयर्स में बड़ा फेमस थी, बेलंदूर झील। बेलंदूर झील जो है वो मत प्राय हो गई है, अभी कर्नाटक सरकार ने काफ़ी समय से उस पर काम कर रही है कि उसको फिर से डेवलप किया जाए। तो झीलों की बहुत बुरी हालत है भारत में, जलकुंभियाँ खा गई हैं झीलों को, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट है आपका बिम्बनाथ झील, ये वाला क्षेत्र है केरल में। केरल में कुछ प्रमुख झीलें हैं, बिम्बनाथ झील, अष्टाईमुड़ी झील, ठीक है, बीरन पूजा झील, ये सब प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद ये आपका है यहाँ पे पुलिकट झील है आंध्रा और उसकी, यहाँ पर ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। इसके बाद कोलेरू झील है आपकी आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भुलर, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा यूपी में रामगढ़ ताल है, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची झील है चोलहामू झील, सिक्किम में पड़ती है। चोलहामू झील भारत की सबसे ऊंची झील, ठीक है। ये हो गई आपकी झीलें, बाकी बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है, दिखाया है, खूब टाइम इसमें दिया आप लोगों को। झील और नदी में, नदी सतत बहती रहती है, एक उसकी सतत धारा होती है। झील क्या है, एक पर्टिकुलर चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई होती है, चारों तरफ से जो जल राशि भूमि से घिरी हो, बड़ी जल राशि जो चारों तरफ से भूमि से घिरी हो वो होती है झील आपकी, ठीक है। नदी हमेशा सतत होती है, एक उद्गम स्थल होता है और उसका एक मुहाना होता है जो कि समुद्र में जाकर गिरता है। तो नदी का उद्गम और मुहाना दोनों होते हैं, झील का उद्गम और मुहाना नहीं होता, झील लैंडलॉक्ड होती है। जैसे चारों तरफ से जलराशि किसी क्षेत्र को घिरे हो तो उसे द्वीप कहते हैं, उसी प्रकार से चारों तरफ से भूमि किसी को घेरे हो, बड़ी जलराशि हो तो उसे झील कहते हैं, छोटी जलराशि को क्या बोलते हैं, ठीक है, तालाब बोलते हैं, ठीक है। समझ में, झील क्या है, ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, जलप्रपात मतलब झरने, उनके बारे में बात है। यहाँ पे प्रमुख प्रमुख देख लेते हैं, बाकी तो ऐसे बहुत सारे हैं जलप्रपात। पहले तो धुआंधार, इसको बोलते हैं कपिलधारा, ठीक है। ये धुआंधार पड़ता है आपका नर्मदा नदी पे, और जबलपुर आप जाइए तो जबलपुर में कपिलधारा जलप्रपात आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे हैं जलप्रपात, टेंशन मत लीजिए, अभी सब एक एक करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ही, मेन ही देखेंगे। ये कुंचिकल, बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, भारत का सबसे ऊंचा। गोरसप्पा यहाँ पर है, जोग प्रपात शरावती नदी पर, ठीक है, घूमने जा सकते हैं। इसके बाद बरकाना जलप्रपात, यहाँ पर ही एक छोटी सी नदी है, ठीक है। इसके बाद भीमा नदी पर बना हुआ है गोकच जलप्रपात। इसके बाद प्रमुख जो पूछे जाते हैं लगातार, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर हैं कुछ नॉर्थ ईस्ट पे, एक बार देख लीजिएगा आप इनसे, बहुत सारे हैं, ये एक नुहास बंगी है, कुछ ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं बहुत ज़्यादा, बाकी देख लीजिएगा जलप्रपात सारे, ठीक है। इस इमेज में आपको एक एक जलप्रपात देख के चिन्हित कर लेना है कौन कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेन आप वही याद रखिएगा जो बार बार पूछे जाते हैं, भारत के द्वीप कहाँ पे, कौन से द्वीप अवस्थित हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। दो प्रमुख द्वीप तो सब जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब जानते हैं, ठीक है। बाकी जो इंटू पिंटू द्वीप हैं यही टेंशन देते हैं। यहाँ पे एक पहला द्वीप है आलियाबेट द्वीप, यहाँ पर है आलियाबेट, ठीक है। आलियाबेट द्वीप में मैंने आपको बताया था कि ये पेट्रोलियम क्षेत्र है, पेट्रोल है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक सालसेट द्वीप है जिसमें मुंबई बसा हुआ है, ये है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप पे ही मुंबई बसा हुआ है आपका, ठीक है।
इसके अलावा बहुत सारे इंटू पिंटू हैं, देख रहे हैं थोड़ा है यहाँ पर, बेट द्वीप, मोरा द्वीप, नोरा द्वीप, कुरुम्बर द्वीप, द्वीप पाचम द्वीप, ठीक है, पीरम द्वीप, दमन द्वीप, द्वीप ये है दमन द्वीप वाला द्वीप ये है, ठीक है, अंबु द्वीप, हैरन कल्सर द्वीप, मध्य ग्राउंड द्वीप, तिवासडी द्वीप, दीवार द्वीप, अंजी द्वीप, चराव द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं। यहाँ पर है थुम्बा, केरल के पास ही एक द्वीप है थुम्बा, जहाँ पर भारत का क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किए गए थे इसरो के द्वारा, यहीं से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, यहाँ पे दिखाए नहीं गए, न्यू मोर द्वीप यहीं पर है, गंगा सागर द्वीप यहीं पर है, ठीक है। यहीं पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक पुलिकट, पुलिकट के पास है, चिल्का के अंदर है एक द्वीप, ठीक है, पुलिकट लेक के अंदर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है उसी के अंदर है। और इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, द्वीप मैंने खूब डिटेल से दिखा दिए, यहाँ पे ये दिखाए गए हैं, गंगा सागर, न्यू मोर द्वीप, गोरामारा, हुईलर द्वीप, लोहार चारा, होप द्वीप, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके बाद जो है कुछ नदियों के अंदर द्वीप बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर माजुली द्वीप है आपका, ठीक है, एक जिला भी है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है असम में। इसके बाद देखिए नदियों के अंतर्गत एक तो कावेरी पे दो हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है सेंट मैरी द्वीप, यहाँ पर बारीपलम्बा, कब्याली ये है, थुम्बा यहाँ पर दिया नहीं गया, यहीं पर है थुम्बा द्वीप, ठीक है। कच्चा त्यूबू पढ़ाया होगा सर ने भारत श्रीलंका में, है ना, कच्चा त्यूबू द्वीप के बीच विवाद है भारत और श्रीलंका के मध्य, मछुआरों की समस्या कुछ सब बताई गई होगी कि मछुआरे जाके विश्राम करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाया गया कि नहीं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। क्रोकोडाइल द्वीप यहाँ पर है, ठीक है, बिलिंगटन द्वीप है यहाँ पे, करूबा द्वीप है, बायपिन द्वीप है, रमनकू, ये सब सारे द्वीप यहाँ पर है, इनको भी एक बार देख लीजिएगा, पुनराय द्वीप, ठीक है। ये अंडमान, अंडमान द्वीप बढ़िया, ये कितने भाग में है, उत्तरी अंडमान अलग है, मंद अंडमान अलग है, दक्षिणी अंडमान अलग है, और लिटिल अंडमान अलग है, फिर अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, फिर इनके बाद इनके, ठीक है, दूसरे भाई हैं निकोबार द्वीप समूह, ये हैं निकोबार अलग हैं, ये कार निकोबार अलग है, लिटिल निकोबार अलग है, ग्रेट निकोबार अलग है, ठीक है, सब अलग हैं। इसके बाद और इसमें बहुत सारे 238 के आसपास द्वीप हैं, तो थोड़ा बहुत द्वीप नहीं है, बहुत द्वीप हैं इसमें। चलिए एक बार देख लेते हैं अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, यहाँ पर है आपका लैंडफॉल द्वीप, ठीक है, सबसे उत्तर में है लैंडफॉल, यहाँ पे नारकोंडम द्वीप, ठीक है, कोको चैनल है यहाँ पर, कोको चैनल म्यांमार और कोको द्वीप है ऊपर, कोको द्वीप और अंडमान के बीच में कोको चैनल, यह उत्तरी अंडमान है, यहीं पर इंटरव्यू द्वीप, ठीक है। इसके बाद साउंड द्वीप, स्मिथ द्वीप, सारे द्वीप मैंने दिखाए हैं, विश्व भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बाद हेनरी लावेस द्वीप, ठीक है, इसके बाद ये आपका है, नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपका है बैरन द्वीप जो सुसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पर है आपका। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, यहीं पर है तारा मुगली द्वीप, ठीक है। इसके बाद नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, दो द्वीप ये हैं छोटे छोटे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, रेटलैंड द्वीप कहाँ पर अवस्थित हैं, क्रम से बताइए, सेंटलीस द्वीप यहाँ पर हैं और रेटलैंड द्वीप यहाँ पर हैं, ये रेटलैंड द्वीप है, ये सेंटलीस द्वीप है, यहाँ पर बीच में डंकन पास है, डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ठीक है। तो दक्षिणी सेंटलीस अलग है, उत्तरी सेंटलीस अलग है, रेटलैंड में भी ऐसे ही दो भागों में भी बटा हुआ है, यह लिटिल अंडमान, ठीक है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से पृथक करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, छोबरा द्वीप, अबुल ऑफ बेम, कोवार्ता द्वीप, नानकोरी, कैचल, यहाँ पर है सेमोब्रो चैनल, ठीक है, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों को पृथक करता है। लिटिल अंडमान यहाँ पे प्राइस चैनल है जो ग्रेट निकोबार और लिटिल निको ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार को अलग करता है। यहीं पर है कैम्बेल की खाड़ी, यहीं पर ही साउथवे क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया, यहीं पर है आपका पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ये है सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये है लक्षद्वीप, ठीक है, 32 द्वीप हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, छोटे छोटे सब प्रवाल द्वीप हैं मूंगा चट्टानों से। मूंगा क्या है, मूंगा चट्टान है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई मूंगा नील, जो मूंगा चट्टाने हैं ये एक तरीके से इसमें एक जीव रहता है, ठीक है, वो जीव कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, बहुत सारे रीजन्स हैं। इसके बाद जो है उन्हीं से कॉलोनियाँ एक तरीके से समझ लीजिए, उन्होंने बहुत सारे हजारों मूंगाओं चट्टानों से मिली हुई कॉलोनी है, वो कॉलोनी जो है आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं उनके उपस्थित अनुपस्थिति के बाद। तो कई प्रकार के होते हैं, एटॉल होते हैं, फ्रिंजिंग एटॉल होते हैं, ठीक है, कभी मैं फिजिकल ज्योग्राफी में याद दिलाइएगा तो पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, सबके पहला प्रमुख द्वीप है कवरत्ती जो इसकी राजधानी है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे अमीनी द्वीप समूह इसका प्रमुख द्वीप है, अमीनी द्वीप, यहाँ पे एंड्रेड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, कवरत्ती का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रेड द्वीप है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए एक है ये 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकाय को
है ना, लक्षद्वीप से अलग करता है मिनिकाय को, लेकिन है हिस्सा उसी का। यहाँ पर कोरियम द्वीप, काल्पेनी द्वीप, किन्नौर, सुहेली, अगत्ती द्वीप, ऐसे करके सारे द्वीप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने सारे कुछ वहाँ पे कराए हैं। यहाँ पे 11 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकाय को मालदीव से उससे अलग करता है, किससे? लक्षद्वीप से, ठीक है। और यहाँ पर ये 11 डिग्री चैनल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, कहाँ पहुँचे? भारत के तट और तटीय मैदान, ये भी कर ही लेते हैं अभी। ये आ गए भारत के तटों में, ये हैं तट, ये तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है। तट में ये आपका काठियावाड़ तट, मैंने जो कि बताया, कोंकण तट, गोवा से लेकर दमन से लेकर के गोवा तक का विस्तार है इसका। फिर इसके बाद कनारा तट या कन्नर तट, गोवा से लेकर मंगलौर तक इसका विस्तार है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर मालाबार तट, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का मैदान भी, जैसे कोरोमंडल तट है, मैदान अंदर वाला क्षेत्र है, देखो मैदान अंदर वाला है, तट ये वाला क्षेत्र है जो डार्क लाइनें हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट इसका है कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहाँ से यहाँ तक ये है, कृष्णा नदी का डेल्टा इस वाले क्षेत्र तक है, यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद उत्तरी सरकार, इसका विस्तार पुलिकट झील से लेकर के महानदी डेल्टा तक है, ये वाले क्षेत्र तक। इसके बाद जो है आपका ऊपर वाला क्षेत्र महानदी डेल्टा से लेकर के आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये है गंगा नदी के मैदान तक, ये पूरा जो है विस्तृत है, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, लाइट गई, चलिए ठीक है, इसी के बाद फिर समाप्त कर देते हैं क्लास को, ठीक है, यहीं से क्लास समाप्त, कल करेंगे, कल।